नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, कि ज़मीन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या किसी स्टेट में सेम जगह पे या किसी दूसरे स्टेट में खरीद रहे हैं बेच रहे हैं या कोई रेसिडेंस प्लॉट खरीद रहे हैं या कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं या कोई फ्लैट खरीद रहे हैं या कोई कमर्शियल या रेसिडेंशियल ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आप कभी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए आप कुछ ना कुछ तरकीब अपनाते हैं, जैसे कि कहीं से पता किया या कोई GDS है या कहीं से भी आप पता करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ईजीएस्ट सबसे आसान तरीका है, आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, गूगल में सर्च करना है IGR और जिस मतलब मान के चलो अभी दिल्ली में है तो मैं दिल्ली का पता करना चाहता हूँ कोई ज़मीन प्लॉट का। अब ये सबसे मतलब कोई भी स्टेट का है, जैसे IGR लिखा हुआ है, यदि आप कोई दूसरे स्टेट का है उत्तर प्रदेश का तो आप उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं IGR के बाद। यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं या बिहार में कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो पता कर सकते हैं कि ये एक्चुअल किन के नाम पे है या क्या सारी डिटेल आपको पता कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया दिल्ली का, अभी आप देख सकते हैं ये सबसे पहले ऊपर में खुल चुका है, ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, आपको ये इस पर क्लिक करना है सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरे सारी डिटेल आ चुकी है कि रजिस्टर एंड डिलीवर्ड कितना हुआ है, रजिस्टर बट नॉट डिलीवर्ड हुआ है, रिसीव्ड बट नॉट रजिस्टर्ड या इम्पाउंड है, तो इस तरह का सारे डिटेल आपको यहाँ पे दिखने वाला है। आप सबसे थोड़ा सा बॉटम पे आप जब आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है ये जो आप चेक कर सकते हैं, मतलब यहाँ से बाई सर्च कर सकते हैं प्रॉपर्टी का डिटेल नाम। इसके अलावा जो डोरिस बुक होता है उसमें रिकॉर्ड होता है वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। प्रोविटेड प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी है जिसमें कोई ना कोई इशू है, कोई कंप्लेन है या कोई कोर्ट पे चल रहा है या कोई उस पर पुलिस फायर मतलब FIR है या कोई भी इशू है प्रोविटेड प्रॉपर्टी पे, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं उस स्टेट का। इसके बाद डेड राइटर है, सर्च रजिस्टर डेड है, मतलब आप चेक कर सकते हैं इससे भी डिटेल आपकी। अब मैं अभी एक ऑप्शन चेक करता हूँ प्रोविटेड प्रॉपर्टी पे, तो जैसे ही प्रोविटेड प्रॉपर्टी पे हमने क्लिक किया है यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने जो प्रोविटेड हैं यहाँ पे, ये जो ज़मीन है या कुछ ना कुछ कंप्लेन या कोई केस या FIR चल रहा है यहाँ पे। अब बात करें कोई भी एक मैंने लिया है सेंट्रल पे है तो वो टोटल डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है 427, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या इशू है। यदि आप खरीदते हैं परचेज करते हैं उससे पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आप जो प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, जो रेसिडेंस प्रॉपर्टी है या कमर्शियल है या कोई भी हो, आप उसको प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपको पहले अवेयर होना चाहिए कि ये कोई कंप्लेन या कुछ तो नहीं चल रहा उसमें। अभी देख सकते हैं डिस्प्यूटेड हो गया है, कंप्लेन टाइप क्या है, सब रजिस्ट्रार्ड है, कश्मीरी गेट का एरिया है, ये नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, विलेज बुराड़ी का है, प्रॉपर्टी का एड्रेस पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम एक्चुअल जो भी, और ये रिमार्क क्या है, भी लीगल नोटिस है इस पर, मतलब कोई भी परचेज अभी नहीं कर सकता यहाँ पे। और यहाँ पे भी देख सकते हैं इस तरह का अलग अलग लीगल नोटिस है जो कि कोई ना कोई कंप्लेन चल रही है इसमें, और यहाँ पे देख सकते हैं इसके डिस्प्यूटेड है, कोर्ट केस है, इसके अलावा बहुत सारा आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, मतलब आप पता कर सकते हैं कि आप जो ज़मीन परचेज कर रहे हैं क्या वो डिस्प्यूटेड है या कोई कंप्लेन है या कोई उस पर इशू तो नहीं आ रही है। बाकी यहाँ पे आप प्रॉपर्टी बाई सर्च एड्रेस कर सकते हैं, लोकल कर सकते हैं लोकेलिटी, या शो ऑल डेटा पे क्लिक कर सकते हैं इसके जानने के लिए। अब मैं आपको बात बता दूं कि जो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे देखा था ई सर्च है, यहाँ पे ई सर्च में आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो उन जिनके नाम पे हैं उनके नाम से भी यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आ चुका है सर्च बाय नेम या सर्च बाय प्रॉपर्टी एड्रेस, कंप्लीट सर्च चाहिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसका एरिया से मतलब कौन से ईयर में हुआ है उससे भी पता कर सकते हैं। स्पेसिफिक सर्च मतलब कोई भी एक्यूरेट जैसे ज़मीन के कागजात होते हैं उस पर डिटेल होता है उसके एक्यूरेसी से आप सर्च कर सकते हैं। जो DDA है वो उसके थ्रू सर्च कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्च है, अलग अलग जैसे स्टेट में करेंगे अलग अलग ऑप्शन आते हैं, बट सर्चिंग का जो ऑप्शन है बाय नेम बाय प्रॉपर्टी वो सबका सेम होता है। अब मैं सर्च बाय नेम पे क्लिक करता हूँ, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे नीचे पे तो यहाँ पे देख सकते हैं लोकेलिटी लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कुछ राम प्रीत के, हाँ राम बाजार के नाम से हैं।
तो ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया कि हमें इस एरिया में पता करना है ज़मीन, और फर्स्ट पार्टी जिनका नाम है, जिनके नाम से ज़मीन है, यदि वो परचेज करना चाह रहे हैं तो उसका नाम का, तो मान के चलो मैं फिर से राम का ही अभी नाम लिखा इसमें, और जो यहाँ पे है ये ऑप्शन, एक ऑप्शन हमने ये डाल दिया है एल और उसके बाद क्यू। तो अब हम सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि कुछ नाम आपको बॉटम में ही दिखेगा, सारा यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम आ चुका है, और मोर पे क्लिक करने पे और भी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा दिखेगा, रजिस्टर डेट कब हुआ है, 27/1/2011 को परचेज किया गया है, प्रॉपर्टी फर्स्ट पार्टी कौन है जिन्होंने ख़रीदा था, वो यहाँ पे जिन्होंने बेचा था मतलब प्रमोद बंसल जी हैं, और ख़रीदने वाला पार्टी हैं राधिका कपूर के नाम से हैं जिन्होंने परचेज किया था। प्रॉपर्टी का एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, राम बाज़ार मोरी गेट दिल्ली राम बाज़ार में है, 6.5 square meters का ये प्रॉपर्टी है टोटल। जो सेल हुआ है विद इन MC एरिया मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके एरिया में ही ये सेल हुआ है, और ये प्रॉपर्टी किस टाइप का था, जो रेसिडेंशियल था मतलब वो एक घर में घर के लिए जैसा होता है, वो कमर्शियल होता है, जैसे मार्केट है, शॉप है, दुकान है, उसको बोलते हैं हम कमर्शियल। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं, पूरी डिटेल पूरी आप जानकारी ले सकते हैं यदि ज़मीन या प्रॉपर्टी को आप परचेज कर रहे हैं तो। इसके अलावा मैं बात कर दूँ कि अब जैसे कि आपने मैं बता रहा था अभी आपको कि सर्च करने का ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली है, तो मैं सर्च करता हूँ कोई दूसरे स्टेट को लेकर के, जैसे एक एग्जांपल यदि मैं तौर करूँ तो यहाँ पे मैंने बिहार सर्च कर दिया, तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है। अब इस पर आप सर्च कर सकते हैं मतलब कोई भी बाय द नेम, बाकी सभी जगह सेम ही होता है, सर्च करने का मतलब जो ऑप्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सर्च कर सकते हैं, और प्रोविडेंट एक्सरसाइज जो ड्यूटी है वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन के नंबर के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं, तो बहुत सारा ऑप्शन होता है इसमें आप सर्च करने के लिए। इसके अलावा जो दिल्ली का है, दिल्ली में भी जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर्टी का नाम या प्रॉपर्टी का एड्रेस के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। यदि इसमें एक सेकेंड में देख लूँ कि यदि मान के चलो थोड़ा टाइम लग रहा होगा वो पोर्टल में, तो उत्तर प्रदेश का भी सर्च करके देखते हैं, ये ओपन हो गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सर्च करने का यहाँ पे भी ऑप्शन आ चुका है कि सर्च कैसे आप करेंगे आवेदन करने के लिए, अपन संपत्ति का विवरण या संपत्ति खोजे आवेदन, हर तरह का यहाँ पे मिल जाता है। तो कुछ भी नहीं सर्च करना ज़्यादा, मैंने बताया था IGR और स्पेस दे करके थोड़ा सा, उसके बाद आप सर्च कर सकते हैं डिटेल, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं इस सर्च बाई उपभोक्ता नाम पासवर्ड के थ्रू आप इसमें सर्च कर सकते हैं, बहुत सारा डिटेल होता है जो कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ IGR लिखना है, और उसके बाद आपको कोई भी दूसरा स्टेट, कोई भी दिल्ली जैसे मैंने बताया, आप कोई भी सर्च कर सकते हैं। तो इससे ये बेहतर है कि आपको कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने या बेचने से पहले कोई फ्रॉड नहीं होगा आपको वहाँ पे, मतलब ये चीज़ है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया है वीडियो के माध्यम से कि आप इस पोर्टल से या आपको जो ट्रिक बताया मैंने वो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारा डिस्ट्रिक्ट जितना भी है वो सारा डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो आपको मैं बता दूँ सबसे फर्स्ट यदि हम अररिया का लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अररिया का भी डिटेल आ चुका है इसमें, तो हर पूरी डिटेल आपको यहाँ का मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेनिफिट जो आपको साइट्स या मतलब बताया जो मैंने पोर्टल कि आप इससे सारी डिटेल आप पता कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस तरह का वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर करें। तो जैसा कि मैंने बताया था अभी, जैसे कि IGR प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वाला हमने देखा है यहाँ पे, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि आपके नाम पे या जो प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं उस पर आप चेक कर सकते हैं। सर्विसेज में यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं ट्रैकर है, एडवांस सर्च है, जोनल ट्रैकर है, तो इस तरह से लैंड का ट्रांसलेशन सर्च बाई जो पार्टी नेम है, जैसे मैंने अभी दिल्ली में बताया था आपको, उस तरह से सर्च बाई नेम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च बाई पार्टी नेम, तो मतलब आप सर्च किसी के नाम से आप पता कर सकते हैं।
आपको। तो वीडियो आपके लिए ये बेनिफिट मैंने इसीलिए बनाया था। अब मान के चलो मैं कुछ भी लिखता हूँ, महेश लिख देता हूँ, महेश के नाम से लिख दिया, और ईयर हमने लिख दिया 2006 से लेकर के 2010 तक एक एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ। और एक्सेलेंट पे व्यू पे क्लिक किया हमने, इस एरिया में इस टाइम पे जितने भी जो एरिया में इस नाम से रजिस्ट्रेशन हुए हैं, आप इसके अलावा जो क्लेम्ड है या बोथ है या प्री कंप्यूटेशन है, यहाँ से सारा चीज़ को आप सर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिट है आपको, हर स्टेट से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था अभी ये ई सर्च है, जैसे दिल्ली का है तो दिल्ली का आपको मिल गया, यहाँ पे बिहार का है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो डिटेल होता है ना बहुत ही बल्क मात्रा में होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यदि इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी हो जाएगा, बट आपको जैसे मैंने बताया यही प्रोसेस है आपको किसी भी प्रॉपर्टी का डिटेल आपको जानने के लिए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस तरह का वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड में भी जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।